नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने आज कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं, इसलिए कृपा करके वीडियो को पूरी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुए 19 साल पूरे हो गए, 20 साल लगभग हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज तक हमारे उत्तराखंड सरकारों ने कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आज तक आम जनता के लिए क्या किया? जो स्कूल थे, जो अस्पताल थे, उनमें नया क्या किया? मैं अगर अपने उत्तराखंड बेतालघाट नैनीताल ज़िले की बात करूं तो वहां वही स्थिति आज भी है जो आज से जब उत्तर प्रदेश का जो राज्य था, जो हालात वो तब के थे वही हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। आज भी कोई फैसिलिटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो दूसरी बात ये है, अभी हमारे वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख स्वीकृत किए हैं उन लोगों को लाने के लिए जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी है, उसमें से अभी तक एक भी व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं ले जाया गया, ना ही किसी के हालचाल पूछे गए हैं। सरकार ने कुछ नंबर जारी ज़रूर किए थे, लेकिन जो कोई तो फ़ोन लगता ही नहीं है, किसी में कोई रिप्लाई ही नहीं आता है इस तरह के। तो अब दूसरी बात, बड़ी बात ये है, जो अभी हमारे भाई उत्तराखंड के पहाड़ी भाई लोग जो बाहर फंसे हुए हैं और जो लोग बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए घर भी पहुंच गए हैं, उन सबके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उन सबको कि आप चंद पैसों के लिए, चंद सैलरी के लिए हम इतने बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने उत्तराखंड में ही कुछ रोज़गार करें, अपने जो आसपास के छोटे बड़े बाज़ार हैं उनमें ही कोई काम शुरू करें। आज बाहर का व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में आके नाई बन के, फर्नीचर का काम करके या मिस्त्री बन के लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, एक दो साल बाद वहीं पर घर बना रहा है, और हम लोग 5-6 हज़ार रुपये की सैलरी में, 10 हज़ार की, 15 हज़ार की सैलरी में शहरों में आते हैं और 20 साल हो जाते हैं हमको नौकरी करते हुए, लास्ट में झोला उठाया वहीं उत्तराखंड वापस चले गए। तो क्यों ना इस बार इस कोरोना संकट की घड़ी ख़त्म होने के बाद में हम ये संकल्प लें कि क्यों ना हम अपने उत्तराखंड में ही स्वरोजगार को ढूंढें, अपने उत्तराखंड में ही रोज़गार करें, खेती बाड़ी को बढ़ावा दें, मुर्गी पालन बकरी पालन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दें, खुद ही बाज़ारों में मुर्गी की दुकानें, मीट की दुकानें, नाई का काम, फर्नीचर का काम ये खुद ही संभालें। क्यों बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं? आज आप देख रहे हैं किस तरह बाहर के लोग आके, बाहर के धर्म के लोग आके हमारे उत्तराखंड में इस तरह बीमारी को फैला रहे हैं, इस तरह लोगों को अन्याय जो एक तरफ से होता है वो हो रहा है उत्तराखंड के लोगों के सामने। और जो सरकार है, सरकार ने पूर्ण साथ दिया है बाहर के लोगों को उत्तराखंड में बसाने का और उत्तराखंड के लोगों को बेरोजगार और पलायन करने के लिए मजबूर किया है। स्पष्ट शब्दों में बात बोलूँ तो ये बात है, क्योंकि कितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब मिली वहाँ पर, पहले तो भर्तियाँ भी आती थी, अब तो भर्तियाँ भी ख़त्म हो गई आर्मी की, चलो छोड़ो जो भी है, लेकिन जो लोग अभी परेशानी में फंसे हुए हैं वो लोग अपने दिमाग में संज्ञान में ले लें कि आप इस तरह के हालात अगर आगे भी पैदा होते हैं तो सरकार आपकी सोध लेने वाली बिल्कुल नहीं है। आपको खुद ही अपना कदम उठाना होगा, खुद ही आपको उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार का कार्य करना होगा जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ज़्यादा लालच में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में और भी संकट आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति, हीरा सिंह बिष्ट नाम था उनका, ये शायद नैनीताल ज़िले के ही कोई सीम ढोन गांव से हैं, ऊपर पता नहीं क्या नाम है उस गांव का, वो विदेश में उनकी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस की वजह से। तो आज हम पैसे के लिए देशों में विदेशों में भटक रहे हैं। इस तरह की अगर महामारी का सामना अगर आगे भी करना पड़े तो हो सकता है फिर इस तरह के संकट फिर भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस कोरोना वायरस के संकट की घड़ी ख़त्म होने के बाद में आप खुद अपने आसपास के बाज़ारों में खुद अपना स्वरोजगार खोलने की सोचें, छोटा बड़ा काम से स्टार्ट करें। अगर आप शर्माते रहोगे तो शर्म कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं खुद इस कार्यों के लेके लगातार काम कर रहा हूँ, मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने साथ साथ कम से कम 30-40 लोगों को और जोड़ सकूँ उत्तराखंड रोज़गार से। एक दो सालों के बाद में मेरा अगर ये मिशन सफल हुआ तो बहुत से लोगों को हम अपने साथ में जोड़ के उत्तराखंड के लघु उद्योगों से कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे अकेले से कार्य करने से या फिर एक दो लोगों के कार्य करने से नहीं होगा, सभी लोगों को प्रण लेना होगा कि हम कार्य करें तो अपने उत्तराखंड में करें। कुछ छोटा बड़ा जो भी कार्य करें अपने उत्तराखंड से शुरुआत करें, उसकी सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।
थैंक यू।